एक क्रेटा है ओल्ड वाली, इसमें एसी की प्रॉब्लम थी तो हमने इसको चेक किया तो पता चला इसका कंप्रेसर ख़राब है। कंप्रेसर ख़राब होने के बाद क्या होता है, कंप्रेसर एक काली छोड़ देता है, अगर वो रह जाएगी गाड़ी के अंदर तो दोबारा आप कंप्रेसर नया लगाएंगे वो कंप्रेसर भी ख़राब कर देगा। उसके लिए हमें कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है, एक्सपंस वाल्व चेंज करना पड़ता है और कंडेंसर चेंज करना पड़ता है, कूलिंग कॉइल चेंज करनी पड़ती है, पाइपलाइन साफ करके लग जाती है। तो हमने डैशबोर्ड अभी इसका फिट कर दिया, कंप्लीट हो गई गाड़ी। डैशबोर्ड भी इसका खोलने के लिए जो है आपको एक तो स्टेयरिंग के दो बोल्ट 12 नंबर के यहाँ से खोलने हैं, एक बोल्ट यहाँ पर है इसका 12 नंबर का वो खोलना है, उसके बाद ये जो है कंसोल निकालना है, कंसोल के बाद वहाँ पर चार बोल्ट 12 नंबर के हैं कॉर्नर में, दो बोल्ट इस जगह है यहाँ पर ये निकालने हैं, दो बोल्ट उसके अंदर है वो बोल्ट भी निकालने हैं, चार बोल्ट इधर है चार बोल्ट उधर है, टोटल 8 बोल्ट है ये। 8 बोल्ट खोलने के बाद आपको बाहर जो कॉल टॉप है वाइपर के नीचे उसमें दो बोल्ट 12 के हैं, 8 और 2 10 10 बोल्ट ये हो गए आपके, और ये यहाँ से साइड से हम जैक निकाल देंगे वायरिंग का, इधर भी राइट साइड में भी जैक है वायरिंग के वो जैक निकाल देंगे, पूरा कंप्लीट कूलिंग कॉइल के साथ डैशबोर्ड बाहर आ जाता है, कूलिंग कॉइल इसी में रहती है। आपको बाहर में दिखा देता हूँ एक बार, दो बोल्ट इसके नीचे 12 के, कंडेंसर नया लग गया, कंप्रेसर नया लग गया, ठीक है, दो और आपका ये वॉल्व चेंज कर दिया।